हेलो गाइस, वेलकम टू अवर एआई मेडिकल डेंटल एकेडमी। ऑन बिहाफ ऑफ फ्री डेंटल गाइड, वी प्रोवाइड यू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द डेंटल कोर्सेज। राइट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑर्थोडॉन्टिक्स, अ फाइनल ईयर सब्जेक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल बी डिस्कसिंग थियरी एस्पेक्ट एज वेल एज व्हाट टू डू इन द प्रैक्टिकल। टुडेज क्वेश्चन इज एंकरेज इन ऑर्थोडॉन्टिक्स। वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड मेनी टॉपिक्स अबाउट ऑर्थोडॉन्टिक्स। Please go through all the videos in this playlist and prepare suitable notes. With these notes, you will be able to pass your theory exam. This content will be helpful to you for practical exam also. So guys, here today's topic is about anchorage in orthodontics. What is anchorage? When a ship goes into the ocean or sea, for stabilizing it, we have to put the anchor into the water, to the bottom of the sea, where anchorage will be obtained and ship will not be floating elsewhere. Okay, so this means that you have to keep some force, okay, and fix some force so that the appliance, so that the retentive appliance is not moving. Okay. तो एंकरेज क्या है? एंकरेज ऐसी चीज है जो आपके अप्लायंस को एंकर कर देगी, उसको हिलने से मना करेगी, ताकि वो फोर्स इंपार्ट कर सके, जो भी उसको काम दिया गया है अप्लायंस को, वो अप्लायंस अपना काम ठीक से कर सके। ठीक है, अब सोचो कि टूथ को मूव करना है, ठीक है, इस साइड, तो ये मूव करेगा कब करेगा, कि यहाँ पे कोई फोर्स आएगा सुटेबल इस तरह, ठीक है, तभी जाके वो मूव करेगा। लेकिन जो फोर्स करने वाली चीज है उसका सपोर्ट नहीं ठीक, तो वो कैसे फोर्स करेगा, वो पीछे अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो कोई किसी भी चीज को फोर्स करने के लिए हमारे बेस अच्छा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं एंकरेज। Anchorage in orthodontics or types or suitable examples. So anchorage kya hai? So nature and degree of resistance to displacement offered by the anatomic unit for the purpose of effecting tooth movement. So bahut definition thoda complicated hai. Abhi ye samjho ki tooth movement karne ke liye theek hai, हमको जो रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस आएगा, फिर हम यहाँ पे फोर्स दे सकते हैं, तो वो रेजिस्टेंस को बोलेंगे, ठीक है, एंकरेज। एंकरेज क्या है? टूथ के जो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस है उसको हिलने से बचाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप है, ठीक है, पहले ये समझिए कि अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ फोर्स, ठीक है, मोयर्स ने दिया है, अकॉर्डिंग टू मोयर्स पहले आता है फोर्स, सिंपल स्टेशनरी रेसिप्रोकल, ठीक है, फिर आता है जो, जो के अंदर ऊपर का नीचे का, इंटरमैक्सिलरी इंट्रामैक्सिलरी, ठीक है, फिर साइट, जो के बाद साइट, इंट्रावर्ल है, इंट्रामैक्सिलरी है, सिंपल है, ठीक है, स्टेशनरी है, रेसिप्रोकल है, इंटरमैक्सिलरी सिंपल है, ठीक है, स्टेशनरी और रेसिप्रोकल, ठीक है, इसके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, इंट्रामैक्सिलरी और इंटर, इसके अंदर तीन, इसके अंदर तीन, फिर एक्स्ट्रा ओरल, सर्वाइकल, बहुत सारे अलग अलग भी आते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंकरेज यूनिट, कितने यूनिट एंकरेज के लिए यूज कर रहे हो, एक ही जगह पर एंकरेज है, एक से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाउ नंदा, ही गेव सम अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंकरेज, ओके, दे आर टेलिंग दैट हाउ मच इज द एंकरेज यूनिट कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्सट्रैक्शन स्पेस क्लोजर, ओके, वो ऐसे बता रहे हैं कि एंकरेज यूनिट के हिसाब से ये लोग डिसाइड करेंगे कि एंकरेज का टाइप क्या है, ठीक है।
फिर आता है ग्रुप वन स्पेस क्लोजर, ठीक है, तो 100 to 75% स्पेस क्लोजर फ्रॉम एंटीरियर और 25 फ्रॉम पोस्टीरियर एंकरेज मूवमेंट, उसको बोलते हैं ग्रुप वन स्पेस क्लोजर। फिर दूसरे में क्या आएगा, दोनों में इक्वल एंटीरियर और पोस्टीरियर, आपको ये लिखना है एंटीरियर इज इक्वल टू पोस्टीरियर, यहाँ पे एंटीरियर ग्रेटर देन पोस्टीरियर। तीसरे में पोस्टीरियर कम होगा या एंटीरियर कम होगा, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एंकरेज यूनिट के हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि कितना एंकरेज है, तो सिंगल मतलब सिंगल टूथ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर उसका एग्जांपल दिया है, अगर आपको कोई स्मॉलर इंसाइजर मूव करना है, लेटरल इंसाइजर मूव करना है, तो आपने कैनन का सपोर्ट लिया, कैनन के ऊपर एक चीज लगा दी, इसके ऊपर से आप फोर्स दे रहे हो इसको, तो ये हुआ सिंगल एंकरेज, ठीक है। क्योंकि कैनन का जो सीमेंटम एरिया है, रूट सरफेस एरिया है, वो थोड़ा ज़्यादा है, बॉन्ड सपोर्ट भी ज़्यादा है। फिर आता है कंपाउंड, उसमें अंदर ज़्यादा एक से ज़्यादा टीथ और बहुत सारे दांत होंगे, ठीक है, तो बोलेंगे कंपाउंड या मेनी एंकरेजेस, ठीक है। फिर फोर्स के ऊपर से, एक तो सिंपल एंकरेज, ठीक है, इसमें फोर्स ऐसा है कि वो क्या करेगा, चेंज द एक्सियल इंक्लिनेशन ऑफ द टूथ और द टीथ, ठीक है। ये लोग ऐसे बता रहे हैं कि ये टीथ की एक्सिस है, इसको ये एक्सिस होगी लाइन मतलब एक्सिस, इसको बदलना है, थोड़ा टेढ़ा करना है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल एंकरेज, ठीक है। फिर क्या आएगा, सिंपल एंकरेज वही है कि जो रेजिस्टेंस है ना, जब टिपिंग हम करेंगे ना, ठीक है, टिपिंग हमने कल पढ़ा था, ऐसे इसको मूव करना है, बेस सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बेस सेम रहेगा, टूथ को थोड़ा रोटेट करना है, तो ऐसे फोर्स में सिंपल एंकरेज काम आएगा। फिर आता है स्टेशनरी एंकरेज, ठीक है, उसमें ऐसा है कि टूथ को बॉडीली मूवमेंट करवाना है, तो कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था बॉडीली मूवमेंट, उसमें स्टेशनरी एंकरेज आएगा, पूरी की बॉडी अगर मूव होगी तो हमको चाहिए स्टेशनरी एंकरेज। अब स्टेशनरी एंकरेज का एग्जांपल है, मोलार सम यूज करेंगे मैक्सिलरी इंसाइजर्स को मूव करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिलरी इंसाइजर्स होंगे, आगे पीछे जो मोलार्स होंगे, यहाँ पे हम बैंड लगा देंगे और इससे मूव करेंगे, यहाँ पे एंकरेज देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल एंकरेज, रेसिप्रोकल एंकरेज मतलब क्या है, दो एक दूसरे अलग दिशा में है, ये आप आगे का दांत ऐसा है, एक ऐसा है, इसको ऐसे मूव करना है, इसको ऐसे मूव करना है, कि दोनों को फिर यहाँ चीज लगाकर दोनों को खींचना है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एंकरेज, ठीक है। तो ये कब काम आएगा, जब डायस्टेमा होगा ना, डायस्टेमा मतलब स्पेस बिटवीन टीथ, तो एक दूसरे को खींचकर ये हम काम कर सकते हैं, ठीक है। आया ना क्लोजर ऑफ मिडलाइन डायस्टेमा, ठीक है। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन आया जो के हिसाब से, इंट्रा मैक्सिलरी मतलब एक ही जो में है, अपर टीथ में ही है, अंदरों अंदर कहीं एंकरेज का यूज किया है या लोअर में किया है, लेकिन एक ही जगह पर किया है, ठीक है। फिर आता है इंट्रा मैक्सिलरी, ठीक है। अब इंटर, इंटर मतलब एक दूसरे जो के साथ हम करेंगे कनेक्ट, अपर का जो और लोअर का जो, हम यहाँ से यहाँ मूवमेंट करवाएंगे। अब कब कर सकते हैं, आप ही समझो कि टूथ को बाहर लाना हो, टूथ को अंदर ले जाना हो, तब ये मूवमेंट हम दे सकते हैं, आगे अभी आएगा उसमें।
ठीक है। अब इंटरमैक्सिलरी कब कब दे सकते हैं? क्लास टू ऑक्लूजन, क्लास थ्री में हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एंकरेज। अभी ये क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, अब क्लासिफिकेशन ही आप कर लोगे और एग्जाम में क्लासिफिकेशन ही पूछा गया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा ये अगर नाम लिखोगे तो भी इसमें टाइम चला जाएगा, तो आपको शॉर्ट में आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। इंट्रा ओरल मतलब टीथ के अंदर ही, ओरल कैविटी के अंदर ही हमको ये देना है। एक्स्ट्रा ओरल मतलब हमारा जो एंकरेज है ना वो बाहर रखा है, कहीं चिन पर रखा होगा, कहीं हेड गियर पर लिखा होगा, ठीक है, चिन पर होगा, ऑक्सीपिटल एरिया पर होगा, अलग अलग बहुत सारे आते हैं, सर्वाइकल आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए चिन पर आएगा, फरहेड पर आएगा, बैक ऑफ नेक आएगा, ऑक्सीपिट रीजन में आएगा। फिर एक्स्ट्रा ओरल और मस्कुलर एंकरेज, ठीक है, कभी कभार मस्कुलेचर भी हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है रेनफोर्स्ड एंकरेज, ठीक है। वो क्या है? एक एंकरेज तो है ही, उसका दूसरी तरह से सपोर्ट लिया, तो इसको बोलते हैं रेनफोर्स्ड। एक एंकरेज को दूसरी एंकरेज से हम रेनफोर्स करेंगे, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल आता है ट्रांसपैलेटल आर्च, ठीक है, लिंगुअल आर्च, ठीक है। जब हमको पैलेटल को एक्सपांड करना होता है ना तो यहाँ पे एक बार या आर्च लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रेनफोर्स्ड एंकरेज, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ एंकरेज, तो कॉर्टिकल एंकरेज है, जो मेडुलरी बोन के अंदर हो रहता है, कॉर्टिकल बोन में वो रहेगा, ठीक है। कभी कभार आप जो पेशेंट में इम्प्लांट्स होते हैं ना, जो नॉर्मल इम्प्लांट्स तो होते ही हैं एडेंचुलस पेशेंट में, अब ऑर्थो के इम्प्लांट्स भी आते हैं, ये एंकरेज के लिए भी काम आ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आया रेसिप्रोकल एंकरेज। तो अभी हमने आपको बताया रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे को खींचना है, एक टीथ है आगे का ऐसा है, ठीक है, वो थोड़ा इस साइड है और ये है वो इस साइड है, ठीक है, और ये मिड लाइन है, तो दोनों को लाना है एक दूसरे के पास। तो क्या करेंगे? यहाँ एंकरेज लेंगे, यहाँ एंकरेज लेंगे, दोनों को खींचेंगे एक दूसरे की ओर, तो फोर्स इस तरह ऐड होगा और इस तरह ऐड होगा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एंकरेज। ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये अब समझा रहे हैं ये लोग, दो दांत है मतलब दो दांत माल पोस्ट है, माल पोजीशन है, ठीक है। अब ये लोग ऐसे बता रहे हैं एक दूसरे के सामने इक्वल और ऑपोजिट फोर्स जब काम करेंगे तब ये काम करेगा रेसिप्रोकल एंकरेज, ठीक है। फिर समझा रहे हैं कि टू टीथ या टू ग्रुप्स ऑफ टीथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली एक ही इंसाइजर है, दो दांत भी हो सकते हैं, इसको सीधे करने हैं, फिर सीधा करने के बाद ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ऐसे फोर्स देना है, यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एंकरेज। एग्जाम्पल्स, तो मिड लाइन डायस्टेमा को क्लोज करना है, ठीक है, यहाँ पे जो मिड लाइन होगी उसके आजू बाजू जो स्पेसिंग होगा होता है वो बोलते हैं मिड लाइन डायस्टेमा, ठीक है। फिर आता है क्रॉस बाइट इलास्टिक्स, ठीक है, पीछे का कोई एक दांत है ना वो बाहर है, मैक्सिलरी आर्च है, ये मैंडिबुलर आर्च है, तो ये हुआ क्लास 1 बाइट या नॉर्मल बाइट, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, मैक्सिला तो ऐसा ही होता है, यहाँ तक बराबर है लेकिन ये दांत है ना बाहर है नीचे वाला, इसको अंदर ले जाने के लिए रेसिप्रोकल एंकरेज हम यूज कर सकते हैं। तो मिड लाइन डायस्टेमा और क्रॉस बाइट इलास्टिक्स यही मेन उसका पर्पस है। यहाँ पे थोड़ा रटना पड़ेगा या आप एक एग्जांपल भी समझा सकते हैं, ठीक है। फिर आया रेनफोर्स्ड एंकरेज, तो रेनफोर्स का मतलब बहुत सारे चीजों को सपोर्ट लेंगे, मल्टीपल एंकरेज, मोर देन वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो कैसे होगा? एक्स्ट्रा ओरल अप्लायंस भी होगा, अपर का प्लेन भी लेंगे और ट्रांसप्लेटल आर्च,
ये तीनों चीज से एंकरेज लिया हुआ है, उससे जो फोर्स रहता है एंकरेज का वो अच्छा रहता है और वो मोमेंट के लिए अच्छा रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, तो फिर आपको ये समझाया है बाहर से जो फोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल साइड्स वो भी जनरेट होंगे, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस जो है वो ठीक से काम करेंगे, फिर बहुत सारे फोर्सेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं क्योंकि हमने अलग अलग जगह पर रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ है उसको हिलाना है, हमने यहाँ भी टाई किया है, यहाँ भी टाई किया है और यहाँ भी टाई किया है, तो इसको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, तो इसको बोलते हैं रेनफोर्स्ड एंकरेज। ये हो गया हमारा ऑक्सीपिटल का एंकरेज एक्स्ट्राओरल, ठीक है, फिर ये दूसरा भी हो गया पैलेटल आर्च, ठीक है, और ये प्लेन, तो तीनों तरह से हमने उसको लॉक कर दिया है, एंकरेज दे दिया है, तो तब जाके वो हिलेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं हम रेनफोर्स्ड एंकरेज। ठीक है, फिर एक्स्ट्राओरल फोर्सेस, हम बाहर से फोर्सेस भी ले सकते हैं, तो क्या से लिया हमने, हमने ऑक्सीपिटल रीजन में हेड गियर लगा दिया। ठीक है, फिर हेड गियर आता है ऑक्सीपिटल हेड गियर, एक पट्टा आता है जो यहाँ से मुंह से पीछे की ओर ऑक्सीपिटल रीजन में बंधा रहता है। अपर एंटीरियर इंक्लाइंड प्लेन, जो ऊपर का प्लेन होगा अप्लायंस का, ठीक है, उससे भी हम एंकरेज ले सकते हैं, और ट्रांसप्लेटल आर्च। तो रेनफोर्स जब आता है ना तो आपको तीन चीज समझानी है, एक्स्ट्राओरल हेड गियर, फिर अपर का एंटीरियर इंक्लाइंड प्लेन और ट्रांसपैलेटल और लिंगुअल आर्चेस, तीन चीज आपको समझा देना है। ठीक है, अब एंकरेज और उसका इम्पोर्टेंस, ठीक है, कौन कौन से टाइप है, तो अभी ये तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। एंकरेज मतलब कोई भी अप्लायंस को आप अगर यूज़ करना है तो उसका रेजिस्टेंस तो चाहिए, उसका मूवमेंट के लिए आपको कोई भी टूथ मूवमेंट करनी चाहिए, तो वो टूथ मूवमेंट तब होगा जब आप रेजिस्टेंस वाला बैकग्राउंड से कोई फोर्स अप्लाई करोगे, उसको बोलते हैं एंकरेज। ठीक है, तो फिर एंकरेज का इम्पोर्टेंस क्या है कि टूथ की मूवमेंट ठीक से होगी, टूथ का मूवमेंट बहुत ही बढ़िया होगा, टिश्यू को हर्ट नहीं करेगा, बायोलॉजिकल जो होता है उसमें ही हम उसको, वो क्राइटेरिया में ही हम टूथ को मूव करेंगे, पेशेंट को थोड़ा अच्छी तरह से ड्यूरेशन कम हो जाएगा ट्रीटमेंट प्लान का, प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा, ऐसे उसके इम्पोर्टेंस है। और टाइप्स ऑफ एंकरेज वो तो आपको बहुत सारे अभी पढ़ा दिए, इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल जो भी क्लासिफिकेशन वो सब आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल। अगर कोई एक पूछा गया है तो मैं तो ये समझा रहा हूँ रेसिप्रोकल एंकरेज ही लिख देना है, क्योंकि उसमें डायग्राम भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, डायग्राम में कुछ नहीं करना है, ये इनसाइडर थोड़ा टेढ़ा करना है, ये भी टेढ़ा करना है, फिर उसको सीधा कर देना है। ठीक है, यहाँ से उसको फोर्स देंगे इस तरह और इस तरह इससे, बोल सकते हो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अलग डायरेक्शन में इक्वली काम करते हैं, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एंकरेज। ठीक है, डिफ्रेंशिएट इंटरमैक्सिलरी और इंट्रामैक्सिलरी। ठीक है, तो इंट्रामैक्सिलरी मतलब सेम जो, यही डिफरेंस है, एक ही जो के अंदर है, और इंटरमैक्सिलरी मतलब ऊपर और नीचे के जो के है, और इसके एग्जांपल है क्लास वन इंटरमैक्सिलरी के बेकर्स एंकरेज। ठीक है, और इंटरमैक्सिलरी एंकरेज जो है ना ऊपर का और नीचे का एंकरेज, वो कब काम आता है, क्लास टू ऑक्लूजन में आता है, क्लास थ्री में आता है। ठीक है, क्लास थ्री होगा तो मैंडिबल को मैक्सिला को पीछे लेना है और क्लास टू में मैंडिबल को आगे लेना है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब सिंपल एंकरेज, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया सिंकपल एंकरेज कब काम आएगा, जब आप टिप करोगे, टिपिंग फोर्स अप्लाई करोगे ना तब। कल के लेक्चर में ही हमने सब डिस्कस किया है, टिपिंग टॉर्क्यूइंग बॉडली मूवमेंट। टिपिंग का मतलब ये हुआ कि एक्सिस नीचे सेम ही रहेगा, दांत को थोड़ा मूव कर देना है। ठीक है,
सेंटर नीचे से ही मेरा खाली वो रोटेट हो गया, थोड़ा टिप हो गया, ठीक है। इसमें जो एक्सियल इंक्लिनेशन ही चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ बार बार जब सिंपल एंकरेज आएगा तो टिपिंग ही आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। और तो मैं तो आप भर भर के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इतना बड़ा टूथ ड्रॉ कीजिए, फिर बोलिए कि ये तो टिपिंग कर दिया और यहाँ पे जो एंकरेज हुआ उसको बोलते हैं सिंपल, ठीक है। ऐसे फिर आता है एक्स्ट्रा ओरल एंकरेज, ये कब काम आता है? तो रेनफोर्स्ड एंकरेज में हमको काम आएगा, पहली बात तो ये, क्योंकि रेनफोर्स्ड एंकरेज हमने किया तो उसमें एक्स्ट्रा ओरल एंकरेज का जिक्र आया था। यहाँ पे एक्स्ट्रा ओरल जो एंकरेज है ना उसमें रेनफोर्स्ड आता है, और रेनफोर्स्ड के अंदर अभी हम एक्स्ट्रा ओरल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि जब एंकरेज हम बाहर से लेते हैं आउटसाइड द ओरल कैविटी, उसका ये डेफिनेशन है, स्केलेटल प्रॉब्लम्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। टीथ में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्लास 3 स्केलेटल ऑक्लूजन है, क्लास 3 स्केलेटल ऑक्लूजन मतलब मैंडिबल जो बोन होगा ना वो बहुत आगे होगा ऊपर के हिसाब से, क्लास 3, और क्लास 2 मतलब मैक्सिला का बोन थोड़ा आगे रहेगा और मैंडिबल की बोन नॉर्मल होगी। वेरियस एक्स्ट्रा ओरल हेड गेयर कौन कौन से है? तो ऑक्सीपिटल रीजन में हेड के पीछे हेड पुल गेयर और चिन कप आता है, नेक के पीछे सर्वाइकल हेड गेयर, फोरहेड पर रिवर्स पुल हेड गेयर और चिन पर रिवर्स पुल हेड गेयर। ये सारे के सारे आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको डायग्राम मिल जाएगा। अभी मैंने वो डायग्राम रखा नहीं है, थोड़ी स्पेस नहीं हो रही थी ना इसलिए, ठीक है। लेकिन अभी आप नाम लिख दोगे तो भी चल जाएगा। एडवांटेजेस, तो एडवांटेज क्या है? आपको रेनफोर्स्ड एंकरेज के बारे में समझाना है, बाहर से फोर्स लेते हैं तो बाहर का बॉन्ड सपोर्ट स्टेबल होता है, अच्छी तरह से बॉन्ड होगा तो टूथ मूवमेंट इजीली होगी, बॉन्ड की मूवमेंट भी अच्छी होगी, हम जो क्लास 2 में काम करते हैं क्लास 2 ऑक्लूजन में वो भी सही से हो जाएगा, ठीक से क्लास 3 में सही से हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब डिसएडवांटेज, तो पेशेंट को पहले तो साइकोलॉजिकल दिक्कत आएगा, बाहर खराब दिखेगा, ठीक है। उसको पेशेंट को एक्स्ट्रा ओरल अप्लायंस 12 से 15 कलाक दिन में पहनना पड़ता है, तब जाके वो आता है, और ये टोटली पेशेंट की कॉम्प्लायंस ऊपर है। हम तो बोलते हैं कि पेशेंट आप ये पहन के रहना है, लेकिन पेशेंट पहनेगा नहीं तो कहाँ वो ठीक होने वाला है, और उसको 12 से 15 कलाक पहनने को बोलना है तो थोड़ा एक्टिव भी रहेगा, कब खाएगा कब सोएगा कब पिएगा कब स्कूल जाएगा, ये सब उसके ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन में है, ठीक है। नाउ शॉर्ट नोट ऑन लोड डिफ्लेक्शन रेट, ये आप करोगे तो भी सही है, नहीं करोगे तो भी सही है, ठीक है। वो क्या है? वो ऐसा है कि आपको कांस्टेंट फोर्स देना है टूथ मूवमेंट के लिए, तो आपको कितना वो एक्टिवेट करना है अप्लायंस या इंस्ट्रूमेंट या ऑर्थोडोंटिक का जो अप्लायंस है, ठीक है, उसको कितना एक्टिवेट करना है कि वो कांस्टेंट फोर्स दे सके, ठीक है। तो ये थोड़ा रटने वाली चीज़ है, कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। फिर आता है बेकर्स एंकरेज, बेकर ने क्या बोला है, वो एक इंटरमैक्सिलरी है, ठीक है, अपर और लोअर के बीच आपको इलास्टिक से बांध देना है, ठीक है, खींचना है एक दूसरे के ऊपर, तो वो इलास्टिक हम लगाएंगे लोअर मोलर और अपर एंटीरियर में, तो वो क्लास 2 में काम आएगा और क्लास 3 में उल्टा आएगा, अपर मोलर और लोअर एंटीरियर, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्लास 2 मतलब क्या होगा, मैंडिबल ये थोड़ा मैक्सिला ज्यादा बड़ा है, मैंडिबल छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे के मोलार्स और अपर के एंटीरियर टूथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्लास 2 में,
और क्लास थ्री में क्या आएगा, मैंडिबल बड़ा होगा, मैक्सिला छोटा होगा। तो यहाँ से यहाँ हम इलास्टिक्स अप्लाई करेंगे। इलास्टिक्स मतलब रबर टाइप जो मटेरियल है ना, वो हम लगा देंगे नीचे वाले के एंटीरियर दांत में और पीछे के मोलर्स के दांत में अपर में, वो क्लास थ्री माल ओक्लूजन करेक्शन के लिए। तो बेकर्स एंकरेज थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप डायग्राम ड्रॉ करके भी समझा सकते हो। टेम्पररी एंकरेजिंग डिवाइस, हम ये टेम्पररी एंकरेज डिवाइस है ना, वो खाली एनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, शुरुआत में हम जब को थोड़ा टाइम के लिए चाहिए एंकरेज या सपोर्ट, तभी हम यूज़ उसको करेंगे, बाद में उसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, तो कभी कभार ये लोग बोल रहे हैं कि आप ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट लगा दो थोड़े टाइम के लिए, फिर जब वो टूथ मैक्सिमम मूव हो जाए उस फिर आपको निकाल देना है। तो आपको यहाँ समझाना है कि टेम्पररी एंकरेज में ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो मिनी स्क्रूस आ सकते हैं। ठीक है, और इम्प्लांट के बारे में ये लोग समझाना है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा ना, वही आता है एंकरेज में। ठीक है, अभी फिर से आया क्वेश्चन एक्स्ट्रा ओरल एंकरेज, एक्स्ट्रा ओरल अप्लायंस वाले कौन कौन से एंकरेज में आएंगे। तो हेड गेयर, फेस मास्क, चिन मास्क, चिन कप, ठीक है, तो ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है गाइस। हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आ सकता है फुल मार्क्स में भी। ठीक है, तो आपको इसमें अभी के अभी मैं तो बोल रहा हूँ, आप ये वीडियोस देखकर थोड़ा क्लासिफिकेशन लिख लो, थोड़ा नोट्स बना लो और थोड़ा डायग्राम समझ लो कि क्या होता है रेसिप्रोकल एंकरेज, क्या होता है ऑक्सीपिटल हेड गेयर, ये क्या होता है बेकर्स एंकरेज, क्या आता है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा अभी डिटेल में एक बार पढ़ोगे तो आएगा, दूसरी बार वीडियो देख लो तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये रटने वाली चीज़ नहीं है। अभी आपको कोई पूछे कि रेसिप्रोकल एंकरेज क्या है, तो बोलना है कि अगर मिडलाइन डायस्टेमा है, दोनों सेंट्रल इंसाइजर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको नज़दीक लाने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है इक्वली, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एंकरेज। ठीक है, पोस्टीरियर टूथ में क्रॉस बाइट होगा तो भी रेसिप्रोकल एंकरेज आएगा। बस फिर आता है बेकर्स एंकरेज। तो जब क्लास टू होता है, क्लास थ्री होता है, उसमें बेकर्स एंकरेज आएगा। क्लास टू में हम क्या करेंगे, मैंडिबल छोटा होगा और क्लास टू में मैक्सिला बड़ा होगा। तो जो बड़ा होता है ना, उसके एंटीरियर टीथ को सपोर्ट लेना है, और जो छोटा होता है मैंडिबल, उसका मोलर्स को सपोर्ट लेना है और इलास्टिक लगा देना है। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे के जो दांत है उसको आगे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, नीचे का जो थोड़ा साइज में बढ़ेगा, नीचे के टीथ भी थोड़ा एंटीरियरली मूव होंगे। और जो क्लास थ्री है उसमें उल्टा होता है, मैंडिबल बड़ा होता है इसलिए मैंडिबल के एंटीरियर टीथ पर, और मैक्सिला छोटा हो इसलिए मैक्सिला के पोस्टीरियर टीथ पर, मोलार्स पर इलास्टिक बांध देना है। तो मैक्सिला के जो पोस्टीरियर टीथ वो एंटीरियर मूवमेंट करेंगे और वो स्पेस को एलिमिनेट कर देंगे, और क्लास थ्री से नॉर्मल ऑक्लूजन की तरफ वो टेंड होगा। तो ये एंकरेज थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आराम से ये पढ़ना है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भर भर के ड्रॉ कर सकते हो, कोई रोकता नहीं। आप टीथ बड़ा ड्रॉ कीजिए, छोटा ड्रॉ कीजिए, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस भी करना है आपको पेंसिल से। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। हमारी वेबसाइट की लिंक है आपकी स्क्रीन पर, www.medicaldentalacademy.com। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इफ़ यू आर नॉट प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द अपकमिंग नोटिफिकेशंस एट द अर्लीस्ट। वी विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द डेंटल वीडियोज विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, एंड यू विल बी गेटिंग गाइडेंस ऑन ऑल द डेंटल सब्जेक्ट्स वाया दिस videos. If you are planning for any dental GPSC, any state public service commission exam preparation, or planning for any interview for dental exams, you may comment us. We will be providing you special guidance lectures free of cost. Thank you guys. Thanks for watching us. Have a nice time. Bye bye.